हम लोग नॉर्मल बात करेंगे, ज्यादा हाईटेक पे नहीं जाएंगे। लीनियर मोमेंटम के बारे में आपको पहले ही कई बातें हो चुकी है, चाहे वो इम्पल्स के रूप में बात हो, चाहे लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन के बात हो। नाइन्थ क्लास से इस कॉन्सेप्ट को अगर आप शुरू करते हो तो लीनियर मोमेंटम के बारे में इतना पता है कि लीनियर मोमेंटम को आप पी से दिखाते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला बोलते हो मास इंटू वेलोसिटी, यानी हो गया एम इंटू वी। लीनियर मोमेंटम के बारे में आप यही जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू वी, ये हो गया लीनियर मोमेंटम। इसके आगे आप एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ोगे, इसका ऐसा यूनिट भी आपको पता है केजी मीटर पर सेकेंड। आप ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, अगर ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा हाफ ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड, एम का भी स्क्वायर वी का भी स्क्वायर, ये बता चुके हैं लेकिन इस चैप्टर में यूज करेंगे इसलिए दोबारा बता रहे हैं, एम इंटू वी का होल स्क्वायर बाय में एम, मास इंटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम पी लिख सकते हैं इसलिए इसको हम लिखेंगे पी स्क्वायर बाय टू एम, और इधर काइनेटिक एनर्जी के यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम के, यानी पी इज इक्वल टू रूट अंडर 2mk, ये भी एक आप रिलेशन याद रखते हैं या पता है आपको। इसके अलावा मोमेंटम में और क्या आपको पता है, मोमेंटम में आपको एक और पता है प्रिंसिपल जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में दो आता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आप लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अभी आप लीनियर मोमेंटम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, एंगल में नहीं स्ट्रेट लाइन में। तो बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ये आप पहले से जानते हैं, इसका नाम आप बोलते हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है क्या, तो आप सब जानते हैं कि ये वो ये इसका स्टेटमेंट है कि अगर किसी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्व रहता है मतलब जितना मोमेंटम इनिशियल था उतना ही मोमेंटम फाइनल होगा, यानी इफ देयर इज नो एक्सटर्नल, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम सिस्टम यानी कि आप जिस रिजिड बॉडी की बात कर रहे हो या जो भी पार्टिकल की बात कर रहे हो, देन इट्स मोमेंटम, अभी मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट और कंजर्व, इट्स मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट और कंजर्व, ये आपका है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका प्रूफ भी हम लोग देख चुके हैं, नाइन्थ में भी ऑलरेडी था। इसका मतलब कि जितना मोमेंटम इनिशियल था पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, ये हमें आम जीवन में भी देखने को मिलता है। जैसे जब आप किसी बंदूक से गोली चलाते हैं तो ये देखो ये बंदूक है, ये बंदूक है, अब ये बंदूक आपको बनाने तो आता नहीं है लेकिन जैसा ये बंदूक, अब ये बंदूक से आप गोली चलाइएगा तो बंदूक के अंदर अभी गोली था, शुरुआत में बंदूक के अंदर गोली था, बंदूक भी रेस्ट में गोली भी रेस्ट में, जब इससे गोली चला तो अब क्या होगा कि बंदूक से गोली चलने के बाद गोली आगे की ओर बढ़ेगा, बंदूक का मास मान लो कैपिटल एम है और गोली का मास स्मॉल एम है, और कह रहे हैं बंदूक का मास कैपिटल एम, गोली उससे निकली उसका मास स्मॉल एम। कई सारे मजेदार सवाल है मोमेंटम के, कॉम्पिटिटिव है सारे, और एक सवाल तीन तीन से छह छह पेज तक जाता है, इससे का सवाल था तीन तीन पेज तक जाता है, एक नाव में 25 लोग हैं, एक एक करके लोग कूदना शुरू किए, नाव किधर जा रहा है आगे पीछे, वो सब बड़ा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो लोग हैं गेंद फेंका फेंकी कर रहे हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एक कैच करेगा, तो ये सब बड़ा अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट का सवाल है, लेकिन थोड़ा आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा था, मेहनत करना होगा। हमको ये बिल्कुल समझ है कि अचानक से टेंथ से इलेवेंथ में आने के बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो जो भी आपका आपको लोड ज्यादा हो गया, आप अपने औकात अपनी क्षमता को पहचानते हुए काम करें, जो उसमें आके बड़े बड़े सवालों को बनाने में न लग जाए, पहले
बेसिक बनाया, आपको दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल आराम से बेसिक बना के चले, फोकस करें कि हाँ भाई पहले बोर्ड पे ध्यान देना है तो बोर्ड पे ही ध्यान दीजिए, हम जो सवाल करवाते हैं एटलीस्ट उसको करके रखिए। और अभी आपके लिए चैनल बना दिया अलग से, हम प्रीवियस ईयर जितना भी मेंस का प्रॉब्लम चैप्टर वाइज है, जैसे कि एक दिन इलेवेंथ का डाले, सब लोग सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, एक दिन इलेवेंथ का डाले, एक दिन ट्वेल्थ का डाले अल्टरनेटिंग का, फिर अगला दिन इलेवेंथ का डालेंगे, उससे क्या फायदा होगा, क्वेश्चन बैंक आपका एक जगह क्लियर होते जाएगा और उससे आपका 50-60% कंप्लीट एग्जाम का सवाल ऑलमोस्ट बन जाएगा, क्योंकि हम डिटेल में एक्सप्लेन करके बता रहे हैं उसमें। अभी आपको ग्रुप फायदा करे ना करे, कभी ना कभी उसका वीडियो आपको फायदा करेगा ही, बहुत काम का वो ग्रुप बन रहा है, तो इसलिए आप उसको भी यूज करिएगा जब आपको जरूरत हो तो, नहीं जरूरत है कोई बात नहीं। ये देखिए, बंदूक से गोली चला, अभी बंदूक का मास था कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, गोली से था ऑलरेडी, अब क्या हुआ, गोली जो है वो इधर साइड गया वी का स्पीड से, मान लो वी का स्पीड से, तो बंदूक किधर जाएगा, कितने के स्पीड से, बंदूक को आप तो जानते हैं कि बंदूक से गोली निकलता है तो बंदूक को झटका पीछे की ओर महसूस होता है, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर ये इनिशियल था, गोली नहीं चला था और गोली चल चुका है, तो आप बोलिएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, COM हम लिख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से जितना इनिशियल मोमेंटम होता है पी इनिशियल, ये शायद आपको चमकने वाले में लिख दिए दिक्कत होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से जितना इनिशियल मोमेंटम होता है उतना ही फाइनल होता है, पी इनिशियल वेक्टर साइन लगा रहे हैं, यानी आपको वेक्टर का ख्याल रखना है डायरेक्शन का, अगर कोई आगे जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन को आप प्लस लेते हो तो इस डायरेक्शन को माइनस लेना होगा, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, शुरुआत में बंदूक का मास एम लेकिन बंदूक रेस्ट में वेलोसिटी जीरो, गोली भी उसके अंदर रेस्ट में, तो शुरुआत का मोमेंटम कितना हो जाएगा जीरो, अगर शुरू का मोमेंटम जीरो है तो बाद में भले किसी को वेलोसिटी कितना मिल जाए लेकिन ओवरऑल जोड़ने पर मोमेंटम कितना आना चाहिए जीरो, फाइनल मोमेंटम बंदूक का मास एम, उसका वेलोसिटी नहीं पता है तो हम लिख दिए वी डैश, पता नहीं है वी डैश, प्लस एम इनटू वी मास इनटू वेलोसिटी, आप देख रहे हैं एम इनटू वी वेक्टर के फॉर्म में लिखे हैं, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एम इनटू वी इज इक्वल टू एम इनटू वी डैश, है ना, तो बताइए वी डैश का वैल्यू कितना आया, यहाँ इधर आया तो सब माइनस भी लगेगा, ये जब इधर आएगा तो माइनस लगेगा, वीडर्स का वैल्यू आया आपको माइनस में एम डिवाइड बाई एम इनटू में वी, यानी बंदूक का गोली का वेलोसिटी वी जिधर है बंदूक का वेलोसिटी उसके जस्ट अपोजिट होगा, ये माइनस वही इंडिकेट करता है, माइनस साइन का मतलब बंदूक के वेलोसिटी के अगेंस्ट जा रही है, दिख रहा है ना, माइनस बंदूक का वेलोसिटी भी उधर है तो वीडर्स इधर होगा, अगर बंदूक का मास 1 किलोग्राम है या मान लो बंदूक का मास 500 ग्राम है और बंदूक की गोली का मास 10 ग्राम है तो ये 500 बाई 10 इंटू वी, 500 बाई 10 यानी 50 वी, अगर वी है मान लो 20 मीटर तक पा सकें तो 50 वी 20 उस हिसाब से आप सोल्व कर पाइएगा, उल्टा लिख दिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ उल्टा लिखे आपको हाथ अभी तक नहीं उठाया था, उल्टा लिख दिए, देखिए स्मॉल एम के डिवाइड में कैपिटल एम जाना चाहिए था, क्योंकि हम अभी कैलकुलेशन में देखिए इतना ज्यादा कैसे हो जाएगा, बंदूक उतना तेज जा रहा तो आदमी उठ जाएगा पकड़ के बंदूक को, उल्टा लिख दिए कैपिटल एम स्मॉल एम के डिवाइड में जा रहा है ना, क्योंकि वी डैश निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, आप लोग कभी कुछ मेरा मिसप्रिंट, हम लिखते वक्त बोलते वक्त दोनों काम कर 3-4 काम एक साथ होता है तो यहाँ उल्टा पुल्टा लिखा जाता है, तो प्लीज आप उसको टोक दिया कीजिए कि भैया ये उल्टा लिख दिया, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इंटू वी, तो इस तरह का न्यूमेरिकल आप 9th क्लास में ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन फिर भी कई स्कूलों में स्कूल में भी ये सब दे देता है, हाँ जो भी टोकना है अर्थित आप व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं हमको, तो इसको आप फिलहाल अभी लिखिए, अभी आपको इस चैप्टर का पहला एक्सप्रेशन करवाने जा रहे हैं, हर्षित राज वही हुआ जो हम आपको बताए थे और बाकी जो कॉन्सेप्ट उसमें सिखाएंगे वो हम रोटेशनल मैकेनिक्स में सिखाएंगे, हर्षित जो हम कल सिखाए थे ना वही था, अभी आपको बाकी जो कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में सिखाएंगे, इसका हम फोटो आपको भेज देते हैं नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है कभी कभी, यहाँ तक में कोई डाउट है आप भेज दीजिए हम चेक कर लेते हैं आपका, ये तो बेसिक हमें भी इंट्रो दे रहे हैं नए टॉपिक के ऊपर,
सब लोग देख लिए हैं। चलिए अब आपको जो हम सिखाने जा रहे हैं उसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने का सकता नहीं है, ये अभी कॉलिजन शुरू नहीं किए हैं, लेकिन अभी हम जो बोलेंगे वो कॉलिजन का आपको हिस्सा लगेगा सुनने में। शुरू से फिर से बता देने बोला है कि नहीं कुछ कहा है। अच्छा एग्जाम अभी चल रहा है आप लोग का, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब लिखिएगा शो दैट, SHOW, शो दैट लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, शो दैट लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू कॉलिजन, यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं, कॉलिजन मतलब टक्कर, कॉलिजन मतलब सीधा सीधी टक्कर। शो दैट लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, सिंपल सा एक्सप्रेशन बोले हम, शो दैट लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर का काफी न्यूमेरिकल अभी हम नहीं करवाए हैं, काफी न्यूमेरिकल, काफी मतलब वर्मा जी के लेवल का, लेकिन अभी हमको सिलेबस भी आगे बढ़ाना है इसीलिए थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। हो सकता है उन सब न्यूमेरिकल का वीडियो बना के आपको और हम डालते रहे, उसमें भी देखते रहिएगा, जो चैनल आपको सब्सक्राइब किए हैं दोनों ही चैनल में भेजते रहे। शो दैट लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, दो ऑब्जेक्ट में टक्कर होने के पहले जितना मोमेंटम होगा, टक्कर होने के बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा, टक्कर कैसा भी क्यों ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ध्यान से सीखिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। इन सब पे आपको कई सवाल दिखेगा। मान लीजिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है ए या M1 नाम दिए, और ये जा रहा है B1 वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी को बहुत लोग यू लिखते हैं, लेकिन यू और भी में कंफ्यूजन ये होता है कि बार बार यू को भी जैसा देखने लगते हैं हम लोग, इसीलिए हम V1 और V1 डैश यूज करेंगे, V1 और V1 डैश, V2 और V2 डैश, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जा रहा है इनिशियली V1 वेलोसिटी से, और ये एक दूसरा मास है जो इधर जा रहा था वेलोसिटी V2 से, एक V1 से जा रहा था एक V2 से, दोनों में टक्कर हुआ। जब दोनों में टक्कर होगा M1 और M2 में, तो टक्कर होने में क्या होता है कि M1 M2 पे फोर्स लगाएगा और M2 M1 पे फोर्स लगाएगा, तो उस हिसाब से ये एक फोर्स इधर लगाएगा तो ये एक फोर्स इधर लगाएगा। इस फोर्स का नाम हमने रखा F21, फोर्स अप्लाइड ऑन M2 ड्यू टू M1, और इस फोर्स का नाम हमने रखा F12, फोर्स अप्लाइड ऑन M1 ड्यू टू M2, ठीक है। इस पे फोर्स का नाम रखा फोर्स अप्लाइड ऑन M2 ड्यू टू M1, इस पे फोर्स का नाम रखा हमने फोर्स अप्लाइड ऑन M1 ड्यू टू M2, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब टक्कर हुआ, जैसे आया टक्कर और टक्कर भी सेपरेट हो रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेपरेट होगा, मान लो तुम कोई ऐसा चीज में टक्कर लगा जिसमें चिपक गया वो चीज, लेकिन अभी हम जनरल केस में सेपरेशन लेके चल रहे, अभी कॉलिजन टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, ये नॉर्मल टक्कर की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल टक्कर। तो टक्कर होने के बाद अब अलग अलग हुआ, अलग अलग होने पे कोई जरूरी नहीं ना है कि जितना का स्पीड में आ रहा था उतना ही स्पीड में जाएगा। अब इसका वेलोसिटी V1 डैश हो जाएगा और इसका वेलोसिटी V2 डैश हो जाएगा, देख रहे हैं, एक का वेलोसिटी V1 डैश और एक का वेलोसिटी V2 डैश होगा। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ मोमेंटम बिफोर कॉलिजन
इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन. अच्छा बिफोर कॉलिजन मतलब कॉलिजन के पहले का मोमेंटम, तो कॉलिजन के पहले कितना मोमेंटम था, इसका मोमेंटम m1 v1 प्लस इसका मोमेंटम m2 v2, ये हो गया टक्कर के पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम. ये m1 ये m2, ये बिफोर ये आफ्टर. टक्कर के बाद m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश आपके स्कूल के एग्जाम में ये शो करने देता है, इसलिए इसको बताया जा रहा है. वर्क एनर्जी पावर में ये एक्सप्रेशन आता है. प्रूफ करते हैं, ये तो टू प्रूफ था. प्रूफ, अब आपको न्यूटन सेकेंड लॉ तो पता है. न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. जो फोर्स उस पर लग रहा है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके चेंज इन मोमेंटम के. ये बताइए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1, m1 का मोमेंटम में चेंज कितना हुआ. चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1 मतलब डेल्टा p ऑफ m1, डेल्टा मतलब हो गया चेंज, डेल्टा p ऑफ m1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1 मतलब चेंज को डेल्टा से दिखाते हैं, चेंज मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल. तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1 कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम m1 का फाइनल मोमेंटम कितना था, फाइनल मोमेंटम था m1 v1 डैश और इनिशियल मोमेंटम था m1 v1. ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1, है ना. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कौन सा लॉ, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या पढ़ा है आपने, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. यहाँ पे एफ देखो, एम वन पे जो फोर्स लगा वो फोर्स है एफ वन टू, फोर्स ऑन एम वन ड्यू टू एम टू इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. अब रेट निकालने के लिए टाइम से डिवाइड करना पड़ता है. न्यूटन सेकेंड लॉ का आप चाहे तो एग्जाम में स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि वी नो दैट अप्लाइड फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू रेट, रेट मतलब टाइम से डिवाइड करो, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, ये हो गया रेट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. एफ वन टू क्या है, एफ वन टू है फोर्स ऑन एम वन ड्यू टू एम टू. क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन बाय में डेल्टा टी. ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर वन. जिस तरह से F12 फोर्स M1 पे लग रहा है ड्यू टू M2, सिमिलरली F21 क्या है, F21 है फोर्स ऑन F2, फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1. ध्यान से सीखिएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा. फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, M2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू M1. याद रखिएगा F21 क्या होगा, F21 होगा फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1. और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ M2. ये इक्वल हो जाएगा रेट, MOM मतलब मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ M2. तो उस हिसाब से therefore F21, F21 का वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा पी मतलब रेट, यहाँ पे चमक रहा है फिर से, F21 कितना आएगा, डेल्टा पी ऑफ M2 बाय में डेल्टा टी जितने समय के लिए हुआ. और डेल्टा पी ऑफ M2 कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल बाय में डेल्टा टी. फाइनल मोमेंटम कितना होगा भाई M2 का, M2 का फाइनल मोमेंटम हो जाएगा M2 V2 डैश माइनस M1 M2 V1 V2, सॉरी M2 V2 डैश माइनस M2 V2. M2 का खाली बात कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बाय में डेल्टा टी. इक्वेशन नंबर दो. तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशन आपके लिए तैयार रखा है, देख लीजिए आप. एक F12 का वैल्यू है और एक F21 का वैल्यू है. यहां तक कोई समस्या ना हो तो हम इसको मिटाएंगे और फिर आगे यही लिखेंगे. दूर नहीं, हाँ हर्षित राज में कोई समस्या है, हर्षित बोलो बाबू हम देख रहे हैं.
बात करेंगे अर्थित, हम फिर से बोले कि ये कॉलिजन नहीं है अर्थित, हम कॉलिजन शुरू नहीं किए हैं। इलास्टिक कॉलिजन, इनलास्टिक कॉलिजन, पार्श्व इलास्टिक कॉलिजन क्या होगा, कहा ट्रक को मारे क्या होगा, बिलियर्ड्स के गेम में अगर दोनों बिलियर्ड्स गेम जो होता है उसमें सॉलिड गेम और स्ट्रिप दोनों के बॉल अगर है एक ही मास के, उसमें क्या होगा, क्या होगा अगर कोई साइकिल वाला किसी ट्रक वाले को मारे, सब हम लोग आगे बात करेंगे। कॉलिजन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे, अभी कॉलिजन नहीं शुरू हुआ इसीलिए आप अभी घबराए नहीं, ठीक है। अभी सब लोग बात करेंगे, बहुत बात, अभी तो लोग सिंपल मोमेंटम पे बात कर रहे हैं, जो कि नाइन्थ में आप पढ़े हैं ऑलरेडी, उसी को हम लोग शो कर रहे हैं प्रूफ के जरिए, ठीक है। तो अभी तक कुछ नहीं किया हमने, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम में डिफरेंस निकाल के टाइम से डिवाइड किए, एक फोर्स एफ, देखो जब दो बॉडी टकराता है तो दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, ये इंटरनल फोर्स होता है, और आप जानते हैं ना कि इंटरनल फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है। फिलहाल इतना देख लीजिए, इसका हम फोटो भेज रहे हैं तो आपको आगे बोलते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास फोटो चला गया है, यहां तक होने के बाद आगे देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, यहां तक कहीं कोई समस्या नहीं है। समय भी देते हैं, आप मेरे साथ कह रहे हो लिखते भी हैं तो अच्छी बात है, वो लिखते रहते हैं तो उससे उनको अच्छा हो जाता है, नोट्स भी एक साथ बनता है, उसमें समय भी देते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं, ऑनलाइन का फायदा भी उठाना तो अच्छे से उठाना है। देख लीजिए, ओके, अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पे F12 और F21 दोनों इंटरनल फोर्स है और इंटरनल फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं। सेंस F12 and F21 are internal forces. F12 and F21 are internal forces. ठीक है, तो उस हिसाब से therefore F12 is equal to minus में F21। क्यों लिखे माइनस में, क्योंकि इसका मतलब होता है कि दोनों का वैल्यू तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। वैल्यू तो सेम है, डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या है, अपोजिट है। F12 का वैल्यू M1V1 dash, ये देखो F12 का वैल्यू माइनस M1V1 में डेल्टा टी, और माइनस साइन F21 का वैल्यू, F21 का वैल्यू ये है लास्ट वाला M2V2 dash minus M2V2 pi में डेल्टा टी। देख लीजिए कहीं कोई भी दिक्कत, आप नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, कोई बहुत भारी बात नहीं कर रहे हैं, एकदम सिंपल सा बात। फिर कॉलिजन सिखाएंगे अच्छे से, कॉलिजन के डिफरेंट केसेस सीखेंगे, बड़े बड़े एक्सप्रेशन है लेकिन वो सब बोर्ड में आते हैं, जिनके भी स्कूल में वर्क एनर्जी हो रहा है एग्जाम में अगर आ रहा है तो कॉलिजन का उनके पास इलास्टिक कॉलिजन का प्रूफ आएगा ही आएगा, हो सके तो आज हो जाए, आज नहीं भी हो पाता तो अगले क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ये दोनों का वैल्यू पुट कर दिए दोनों साइड, अब देखिए आप, अब हम क्या करेंगे, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी कैंसिल, M1V1 dash माइनस M1V1 वेक्टर साइन नहीं छोड़िएगा क्योंकि हर बात वेक्टर के लागू हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस में M2V2 dash माइनस माइनस प्लस M2V2, M1V1 को उधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा M1V1 dash
ये इधर आ गया प्लस में एम टू वी टू डैश इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस में एम टू वी टू। बहुत ही छोटा एक्सप्रेशन लेकिन बहुत प्यार से बताने के चक्कर में इतना लंबा लग गया। देखो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू ये था आपका मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, और ये था आपका मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। हाँ राजकुमार देख ले रहे बाबू तुम्हारा भी डाउट, ये था मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, सॉरी दिस वन इज योर बिफोर दिस वन इज योर आफ्टर, अगर ये बता रहे तो ये आफ्टर नहीं है ये है आपका बिफोर, ये पहले का वेलोसिटी है ना, ये बिफोर और दिस वन इज योर आफ्टर, टक्कर के बाद का मोमेंटम, टक्कर के पहले का मोमेंटम, देख रहे हैं आप। तो ये था आपका नॉर्मल सा प्रूफ, ये एग्जाम में देते हैं सर, और इसी पे हमारा आगे का पूरा कॉलिजन बेस्ड होगा। कॉलिजन शुरू नहीं किया है, नॉर्मल टक्कर की बात की है। टक्कर कैसा भी क्यों ना हो मोमेंटम उसमें हमेशा कंजर्व रहता है, जितना पहले था मोमेंटम उतना ही मोमेंटम बाद में रहेगा, अगर पहले जीरो था तो चाहे कुछ भी हो जाए बाद में भी जीरो रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, समझना होगा इसको, थोड़ा वेक्टर लगेगा, थोड़ा कॉम्पिटेटिव प्रॉब्लम भी इसमें आएंगे, आप पेशेंस लूज मत कीजिएगा। ये मीटिंग अभी अगर अचानक से एंड होता है तो आप सेम आईडी पासवर्ड से दूसरा मीटिंग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसका फोटो खींच के हम भेज दे रहे हैं ताकि ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाए। राजकुमार का सवाल है दोनों फोर्स इक्वल कैसे होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है तो दूसरा बॉडी उस पर भी उतना ही फोर्स लगाता है, थर्ड लॉ, क्योंकि इंटरनल फोर्स है आप, ये दो बॉडीज के बीच में लगने वाला टक्कर होने पे ये इंटरनल फोर्स ही एक्ट कर रहा है, तो दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट ही होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, याद रहेगा फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो ये आप जो फोटो भेजे ये दो हिस्सों में गया आपको, मतलब पहला हिस्सा में आधा प्रूफ। हाँ हार्दिक तुम एग्जाम्पल बोलो भेजो हमको, क्या सुनाना चाह रहे हो, जो भेजो वही है क्या, आप पढ़े भी नहीं उसको, हम ऊपर में ही कार बस सुन के रुक गए, हम देख लेते हैं क्या बोले हो, एक मिनट हार्दिक तुम क्या बोले हम चेक